हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोडियम आई ड्रॉप के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये बहुत सारे से ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैं ब्रांड भी बताऊंगा और आपको किन कंडीशनों में इस्तेमाल करना है, क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और क्या डोजेज हो सकते हैं, मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं गाइस। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोडियम आई ड्रॉप जो है बहुत सारे ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे हमारे पास है इको टीयर, और भी ब्रांड है जैसे रिफ्रेश टीयर को डीवी सॉल करके भी आते हैं, नेवी फ्रेश करके भी आते हैं, मोइजॉल करके भी आते हैं, ल्यूब्रेक्स करके भी आते हैं, ओरी ल्यू भी आपको करके आते हैं। बहुत सारे ब्रांड इसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बात करेंगे हम इसके यूजेस की, तो बहुत सारे कंडीशनों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं या फिर मोबाइल चला रहे हैं, उसके वजह से आँखों में जलन, थकान, टायर्ड आई लगे, उन कंडीशनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आँखों का सूखापन को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी ये आई ड्रॉप है। अगर आपको इरिटेशन हो रहा है या फिर वाटरी आई यानी कि आँख भर जाता है, उन कंडीशनों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर आप तेज़ धूप में ज़्यादा काम करते हैं या फिर आपको चलना होता है तो आपकी आँखें सूख जाती है, उन कंडीशनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। कई बार जो है कि वेल्डिंग करने वाले मशीन जो यूज़ करते हैं वो बिना चश्मे के वेल्डिंग कर लेते हैं तो उनकी आंखें रेड हो जाती है, सूज जाती है, उन कंडीशनों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं इन सारे कंडीशनों में। बात करेंगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो गाइज इसमें साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, जैसे एलर्जी हो सकता है, दृष्टि में धुंधलापन कुछ देर के लिए दिख सकता है, आँखों में जलन देखने को मिल सकता है, आँखों में दर्द देखने को मिल सकता है या फिर सूजी हुई पलके भी देखने को मिल सकती है। तो अगर ऐसा कुछ भी देखने को मिले तो आप इसका इस्तेमाल फ़ौरन बंद कर दें और आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि गाइज आँख है, आँखों के बिना कुछ भी नहीं, आँख है तो दुनिया है, अगर आँख नहीं है तो आँखों के बगैर कुछ भी नहीं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप ये ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आँख बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गन हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बात करेंगे हम इसके डोजेज की, तो गाइज आप इसे 2 से 4 बार दिन में डाल सकते हैं और आप इसे 7 से 10 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी